हेलो दोस्तों, आज मैं ये देखने वाला हूँ कि ये जो गीगाबाइट का 550 वाट का पावर सप्लाई है, ये इस 3070 Ti को चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो गीगाबाइट का पावर सप्लाई है ये बिल्कुल नया है और इसका जो MRP है वो है 6500, लेकिन मेरे को ये पड़ा है 3200। ये जो पावर सप्लाई है बहुत सस्ता हो गया है, पहले ये 4000 में मिल जाता था। और ये जो गैलेक्सी का 3070 Ti है ये मैंने सेकेंड हैंड लिया है यूज्ड, ये मुझे पड़ा है 31500 का। तो इसमें ट्रिपल फैन है दोस्तों और इसमें 2 साल का वारंटी अभी तक बचा हुआ है क्योंकि ये 1 साल पुराना है। तो चलिए पहले हम लोग पावर सप्लाई को खोल के देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो पावर सप्लाई है 80 प्लस ब्रॉन्ज रेटिंग के साथ आता है। और देखिए इधर इसका जो फैन है, इसका भी नॉइज बहुत ही कम होगा, ये लोड में इतना होगा और बिना लोड में इतना होगा। देखिए इधर डेसिबल में दिया हुआ है कितना डेसिबल हमको मिलेगा। और पीछे की तरफ देखिए दोस्तों, इधर कितना वायर मिलता है ये भी दिखा दे रहा है। मदरबोर्ड के लिए, CPU के लिए, PCI के लिए 8-pin कनेक्टर 2 मिल जाएगा हमको, जो हमको चाहिए भी 2 हुई 8-pin कनेक्टर। और इधर कितना वोल्टेज में कितना वाट कितना एम्पेयर मिलता है, इधर सब कुछ दिया हुआ है। तो आप लोग कंपेयर कर सकते हो दूसरा किसी पावर सप्लाई से इन डिटेल। और इधर सीरियल नंबर वगैरह है। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। तो हमको एक बहुत ही मोटा पावर केबल मिल जाता है। इसका जो स्क्रू है वो भी दे दिया है। और यह है इसलिए कजल। तो देखिए दोस्तों, ये जो पावर सप्लाई है बहुत ही प्यारा है। और इसके अंदर में जो हीट सिंक है वो भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मोटा है और इसका क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा होगा। हीट सिंक मोटा होने की वजह से ये बहुत अच्छा पावर डिलीवरी देगा और स्टेबल भी होगा और गर्म भी नहीं होगा। और इसका जो ऊपर में फ़ैन है वो भी देख के मालूम चल रहा है कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। ऐसा नहीं है कि ये सस्ता है, 3000 का है इसलिए ये चीप क्वालिटी का होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। और इधर देखिए, इधर एक गार्ड भी है जिस वजह से ये जो हवा है इधर डायरेक्ट पास नहीं होके अंदर घूम के कंपोनेंट को अंदर ठंडा करके इसके बाद ही बाहर जाएगा। और इधर स्टार स्क्रू यूज़ किया गया है। और ये रहा हमारा फ्लैट केबल, जितना भी चाहिए हमको सब कुछ इधर ही मिल जाता है, जो केबल मैनेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और इधर सेम वही जो पावर रेटिंग है, यहाँ पे भी सेम पावर रेटिंग दिया हुआ है। तो ये बहुत ही प्यारा है। और ये जो मैट फिनिश में ब्लैक कलर है ये भी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अभी जो ग्राफिक्स कार्ड है उसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ग्राफिक्स कार्ड को ये व्हाइट कलर में है और इसका जो व्हील वगैरह है वो भी हमको मिला है। देखिए ये जो नया में था तो 67000 का था इधर, और इसका डेट है 3/1/2022। और ये जो दूसरा वाला बिल है ये है 31/1/2023 का, और इसका जो बिल है 31500 जो मैंने पे किया है। तो ये डेट देख के पता चलता है कि ये 1 साल 1 महीना पुराना है। और इधर देखिए 2 ईयर वारंटी भी मेंशन किया हुआ है और मेरा बिल में नाम भी है। बिल्कुल अच्छा बिल बेचते हैं वो सूरज टेक्नोलॉजी वाले, और प्रोडक्ट भी बहुत ही अच्छा है। और ये 3 ईयर का वारंटी था जब ये नया था। तो अभी ग्राफिक्स कार्ड को देख लेते हैं। तो ये ग्राफिक्स कार्ड में थोड़ा धूल है जो होना नॉर्मल बात है क्योंकि ये पुराना है और ये व्हाइट है इसलिए इसमें थोड़ा सा धूल है मालूम चल रहा है। अगर ये ब्लैक में होता तो ऐसा मालूम भी नहीं चलता। देखिए इसमें डबल 8-pin कनेक्टर है और इधर 8GB का लोगो भी है। और पीछे की तरफ दोस्तों आपको सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड इसमें आपको जो बैक प्लेट है वो मिल जाता है
वो अच्छा, बहुत अच्छा इसमें स्टिकर भी किया हुआ है। और देखिए इधर 3070 Ti लिखा हुआ है। और इसमें दोस्तों आपको पीछे की तरफ 4 हीट पैक मिल जाता है, और इसका हीट सिंक बहुत मोटा है, सच में बहुत ही ज़्यादा मोटा है। और यह कार्ड भी बहुत भारी है। और इसका सामने की तरफ देखिए एक स्विच है, एक नॉर्मल मोड के लिए, एक टर्बो मोड के लिए, और डिस्प्ले पोर्ट 3 और HDMI 1। तो इसमें थोड़ा बहुत धूल है। और देखिए दोस्तों इसका जो प्लास्टिक है वो भी अभी तक नहीं उतारा गया है, और फैन के ऊपर भी अभी तक वो जो प्लास्टिक होता है वो लगा हुआ है। तो मैं इसको रहने देता हूँ, इसको निकाल के क्या फ़ायदा, जितने दिन रहेगा इतना दिन नया रहेगा। तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये जो राक्षस है इसको ये छोटा वाला पावर सप्लाई चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा। आई होप कि मेरा ये नया वाला पावर सप्लाई ख़राब ना हो जाए। इसका तो वारंटी है, इसका भी वारंटी है, फिर भी ख़राब होने पे बहुत हैरान होना पड़ता है इसलिए। तो चलिए इसको सेटअप करके दिखाता है। तो देखिए दोस्तों ये वाला जो सिस्टम है मैं इस पर आपके लगा कर चेक करके दिखाऊंगा। तो ये वाला जो मॉनिटर है ये 1440p 165 Hz का मॉनिटर है, और मेरा जो ये प्रोसेसर है ये i5 8400, मतलब 8 जनरेशन का प्रोसेसर है। और इसमें रैम 16 GB किंगस्टोन फ्यूरी 3600 MHz का रैम है, और इसमें लिक्विड कूलर है, इतना ही है। और इसमें जो पावर सप्लाई है वो भी दोस्तों कॉर्सियर का 550 है। और मैं अभी इसमें से कनेक्शन करूँगा, जो गीगाबाइट का है इसमें से मैं इसको डायरेक्ट कनेक्शन करके 3070 को चला के देखूँगा। और ये वाला जो ग्राफिक्स कार्ड है ये 2070 सुपर है। देखिए दोस्तों इधर लिखा हुआ है 2070 सुपर एम्प एक्सट्रीम 8GB DDR6 256 bit। तो ये वाला जो ग्राफिक्स कार्ड है मैं इसमें चला रहा था, और ये 550 वाट से चलता था। तो अभी बारी है इसका 3070 Ti का और इस पावर सप्लाई का। तो चलिए इसको मैं अभी लगा लेता हूँ। दोस्तों ग्राफिक्स कार्ड भी लगा लिया, इसका जो पावर था वो भी लगा लिया 8 pin। देखिए तो अभी इधर मोलेक्स और साटा केबल एक्स्ट्रा है जो मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें NVMe लगा हुआ है तो साटा केबल भी हमको नहीं चाहिए। तो चलिए अभी सिस्टम को ऑन करते हैं SMPS का पावर लगा के। तो मैं पुराना वाला खोल लेता हूँ और डिस्प्ले भी लगा देता हूँ। डिस्प्ले केबल लगा दिया, उसका भी पावर लगा दिया है। दोस्तों मैं आपको एम्पियर भी चेक कराऊंगा, ये जो मल्टीमीटर है इसके द्वारा मैं आपको ये कितना एम्पियर ले रहा है, ये जो दो तार है इनमें से जा रहा है पावर, तो मैं इनमें लगा के आपको एम्पियर चेक कराऊंगा कि 550 वाट में से ये ले कितना रहा है। तो चलिए इसको मैं ऑन करता हूँ, कि मैं लाइन ऑन कर रहा हूँ अभी दोस्तों। चलिए मैं ऑन कर रहा हूँ, तो ये वाला स्विच ऑफ था इसलिए ये ऑन नहीं हुआ, तो अभी ऑन हो जाएगा। तो ऑन हो गया, तो फैन भी चल रहा है। तो हमारा डिस्प्ले भी आ रहा है, देखिए ये जो डिस्प्ले है ये वाला डिस्प्ले है। तो दोस्तों हमारा PC ऑन हो गया, तो अभी मैं फर्स्ट नो लोड कंडीशन में एम्पेयर कितना होता है मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों ये अभी
0.72 एम्पेयर ले रहा है। तो इसको अगर आप 230 वोल्ट से या 220 वोल्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इतना वाट ले रहा है तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए अभी 1 एम्पेयर ले रहा है, तो अभी 1 एम्पेयर का मतलब है ये 230 वाट लिया था, मतलब 220 वोल्ट जितना आ रहा है इतना ही वाट लिया था। तो अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ, देखिए दोस्तों इधर 3070 Ti से ये अभी डिस्प्ले आ रहा है और ये 550 वाट से चल रहा है, क्योंकि अभी ये लोड भी नहीं है। अगर लोड होगा तो शायद मेरे हिसाब से ये लोड नहीं ले पाएगा, ये शट डाउन हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको बेंचमार्क कर लेता हूँ ग्राफिक्स कार्ड को, तो पता चल जाएगा तब ये 100% पावर लेगा। ग्राफिक्स कार्ड जितना पावर लेना है 330 वाट या 340 वाट जितना लेना है ले लेगा। इसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि ये SNPRs कितना पावर लेगा। दोस्तों देखिए मैं बेंचमार्क करने के लिए फोर मार्क जो एप्लीकेशन है वो खोल रहा हूँ, देखिए ये वाला मैं ओपन कर लिया। तो अभी हम लोग 1440p पे टेस्ट करना शुरू करते हैं। देखिए मैंने इधर 1440p पे सेट करके शुरू कर दिया, चला गया दोस्तों ख़त्म, नहीं दोस्तों ये आ गया है। तो हमारा 550 वाट इतना लोड ले लिया, तो हमारा मिशन सक्सेसफुल। देखिए अभी जो ग्राफिक्स कार्ड है वो करीबन 300 वाट ले रहा है दोस्तों, और एम्पियर है 1.86। आपको मैं आखिरी में कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि कितना ये होता है। आप भी मल्टीप्लाई कर सकते हो वोल्टेज से 220 वोल्ट से। तो देखिए दोस्तों ये अच्छे से बेंचमार्क हो रहा है, और इधर आप लोड भी देख सकते हो। GPU ये रहा ये वाला 96% और प्रोसेसर का लोड है इतना 21%, और इधर रहा हमारा फैन का RPM, GPU का टेम्परेचर और ग्राफिक्स कार्ड कितना पावर ले रहा है। तो हमारा ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया दोस्तों। देखिए ये 3070 ही रन कर रहा है, ऐसा नहीं कि दूसरा कोई ग्राफिक्स कार्ड है जो 550 वाट से मैं चला रहा हूँ। तो इसका स्पीड भी ज़्यादा हो गया, ये जो फ़ैन है SNPRs का फ़ैन का स्पीड भी ज़्यादा हो गया और ग्राफिक्स कार्ड भी गर्म हो गया, इसमें से गर्म हवा आ रहा है। और हमारा बेंचमार्क कंप्लीट हो गया, तो देखिए इधर 1440p पे ही हमारा टेस्ट हुआ है और 71 डिग्री सेल्सियस हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर गया है और 3070 Ti लिखा हुआ है। i5 5400 प्रोसेसर का नाम भी आ गया और मेरा OS सब कुछ इधर आ गया है दोस्तों। तो आप भी समझ गए कि 3070 Ti को आप 550 वाट में चला सकते हो, लेकिन जो ब्रांड है वो पता नहीं क्यों 750 वाट रिकमेंड करते हैं। तो ये 550 वाट से चल गया, ये मेरे लिए भी बहुत ताज्जुब का बात है कि ये 550 वाट से ये 3070 Ti नॉन Ti होने से भी एक बात का। तो ये जो पावर सप्लाई है 3000 में ये तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। तो नेक्स्ट में ये वाला जो Corsair का है इसे भी ट्राई कर लूँगा, ये भी 550 वाट का है, ये भी 550 वाट का है, तब तो इसको चल जाना चाहिए। ये जो पावर सप्लाई है ये Corsair का, इससे इस 3070 Ti को भी चल जाना चाहिए। देखिए दोस्तों ये वाला ही तार इसमें से आ रहा है, और आप लोगों ने एम्पेयर भी देख लिया था। तो मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ, देखिए इधर प्रेजेंट क्वाट HD जो मेरा डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है, देखिए दोस्तों क्वाट HD और ये है 165 हर्ट्ज का है, लेकिन मैंने 120 पे सेट करके रखा है, नहीं तो मैं इधर जो 10 बिट है जो 10 बिट सपोर्ट नहीं करता, 165 हर्ट्ज देने से इसका जो 8 बिट हो जाता है, इसके लिए ये 120 हर्ट्ज करके रखना पड़ता है। तो मैं फिर से एक बार कर लेता हूँ, तो देखिए इधर 3070 Ti क्वाट HD और सब कुछ इधर आ रहा है, कितना मेगाहर्ट्ज में चल रहा है, कितना TDP है, फैन स्पीड सब कुछ इधर आ रहा है।
देखिए हमको FPS मिल रहा है 156 का। तो अगर आपके पास भी 3070 है आप भी कंपेयर कर सकते हो। इधर टेम्परेचर देखिए दोस्तों, मैक्सिमम जो है वो है 65 और मिनिमम जो है 36। अभी 66 हो गया तो ये 70-73 तक चला जा सकता है, 75 जाने से भी ठीक है, कोई बात नहीं। और ये अभी गर्म हवा मार रहा है और फैन भी बहुत ही तेज़ घूम रहा है। तो चलिए दोस्तों, इतना ही था आज के इस वीडियो के लिए, और मैं इस पावर सप्लाई का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो देखिए फिर से ख़त्म हो गया, मैं आपको ये लाइव दिखाता हूँ कि जब मैं ये टेस्ट करता हूँ, मतलब ये स्ट्रेस टेस्ट को स्टार्ट करता हूँ, तब इसका जो एम्पेयर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो देखिए अभी कितना है, और मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए मैंने स्टार्ट कर दिया और एम्पेयर भी बहुत ज़्यादा हो गया, 1.85 हो गया। तो आप इसको जितना वोल्ट है इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं आपको एक बार वोल्टेज भी चेक करा दे रहा हूँ। देखिए ये वाला जो बोर्ड है, यही वाला बोर्ड है, एक है मॉनिटर का और एक है डिस्प्ले का और एक है स्पीकर के लिए और एक तो चार्जर है, यही चारों पॉइंट है। देखिए दोस्तों ये वाला जो मीटर है, मैं इसमें आपको चेक कराऊँगा वोल्टेज को। तो देखिए दोस्तों 243 वोल्ट है, तो इसको आप एम्पेयर से मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल जाएगा कितना वाटेज ये ले रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हमारा अभी हम लोग फिर से एक बार लाइव देख लेते हैं। देखिए अभी एम्पेयर है, हाईएस्ट गया था 1.92, तो 1.92 को हम लोग वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम लोग वोल्टेज देख लेते हैं, 243 × 1.92 एम्पेयर। तो देखते हैं तो 466 वाटेज ये SMPS अभी ले रहा है। तो ये जो 550 वाट का पावर सप्लाई है, ये मैक्सिमम हमारा 3070 का मैक्सिमम लोड पे इतना, मतलब 466 वाट ये अभी दे रहा है, डिलीवरी दे रहा है, इधर से भी ले रहा है, इधर से भी डिलीवरी दे रहा है। तो हमारा ये 3070 चल जाएगा इसमें। मैं लेकिन आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि कंपनी वालों ने कुछ सोच के ही 750 वाट रिकमेंड किया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैं तो चला लूँगा, क्योंकि मैं फिर से एक पावर सप्लाई खरीद के पैसा बर्बाद नहीं करने वाला, क्योंकि इसी से ये 3000 का जो पावर सप्लाई है, इसी से ये बढ़िया चल रहा है दोस्तों। तो हमारे पास और भी अभी 90 वाट बचता है 550 वाट पहुँचने में, तो आराम से यूज़ कर सकते हो। जब CPU में मैक्सिमम लोड हो जाएगा 65 वाट लेगा, तब भी हमारे पास और भी पावर बच जाएगा 50 वाट जैसा। मेरे हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इसको चल जाना चाहिए, क्योंकि अभी जब मैं बेंचमार्क टेस्ट किया था वही इसका मैक्सिमम लोड है। तो चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, इतना ही था आज के इस वीडियो के लिए। दोस्तों ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैंने अपने पैसों से ख़रीदा है। तो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो। बाय बाय।